देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के चलते हालात बहुत ही भयावह हो चुके हैं। रोज हजारों की तादाद में नए संक्रमित सामने आ रहे हैं और दर्जनों लोगों की रोजाना मौत हो रही है। इस बीच शहर में कोरोना संक्रमण में काम आने वाली दवाओं की कालाबाजारी भी बढ़ गई है। खासतौर पर रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन हजारों रुपए में बिक रही है। दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले ऐसे ही तीन आरोपियों को दबोचा है। इनके पास से रेमडेसिविर की 7 इंजेक्शन भी बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये लोग एक इंजेक्शन 70,000 रुपए में बेच रहे थे। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 पेडलर्स दवा की तस्करी से जुड़े लोग रेमडेसिविर को ऊंची कीमत पर बेचने के लिए इंडियन हैबिटेट सेंटर आ रहे हैं। इसके बाद उनकी धरपकड़ के लिए एक टीम गठित की गई। टीम में ACP कुलबीर सिंह और लोधी कॉलोनी थाने के SHO प्रफुल्ल कुमार झा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इसमें SI आनंद कुमार झा, PSI दीपेंद्र, ASI प्रकाश चंद, हेड कांस्टेबल पंकज और कांस्टेबल दिनेश और सीताराम मीना को शामिल किया गया। तलाशी के दौरान एक होंडा सिटी कार को रोका गया है। कार की तलाश में आरोपियों के पास रेमडेसिविर के 4 वायल बरामद हुए। तीनों आरोपियों की पहचान लिखित गुप्ता, अनुज जैन और आकाश वर्मा के तौर पर की गई है। लिखित और अनुज चांदनी चौक इलाके में दवा की दुकान चलाते हैं, जबकि आकाश पेशे से ज्वेलर हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में कालाबाजारी में संलिप्त लोग इसका फायदा उठाते हुए इंजेक्शन को काफी ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। बता दें कि 25 अप्रैल को भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह इंजेक्शन कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज में मददगार है और इसकी काफी मांग है। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी आलोक त्यागी, गाजियाबाद निवासी अभिषेक और नोएडा निवासी सोमेल गुप्ता के रूप में हुई है। इन तीनों को रविवार सुबह पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी रेमडेसिविर के एक इंजेक्शन का सौदा 40,000 रुपए में कर रहे थे। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।